आज मान्यवर मुख्यमंत्री द्वारा 125 कोटी टंकार सुध रिहाती पाखापाखि अढ़े लक्ष ग्रुप्स मानक सारा ओडिशा रे बंटा जाटा आम पाई गोटे बहुत बड़ कथा बहुत बड़ माइलस्टोन बड़ बेंचमार्क किछि कारण पाई। प्रथम हैला आपण मानक मन थी देढ़ मास आगुरु मान्यवर मुख्यमंत्री घोषणा करथिले कि जीरो इंटरेस्ट लोन्स 3 लक्ष रु 5 लक्ष पर्यंत वृद्धि करा हैला आउ सेटा एप्रिल 2022 रु लागू करा हैला। सही एप्रिल 2022 रु सेप्टेम्बर नवेम्बर 2022 पर्यंत जेती की अर्थ सुध अक्रू करा हेची सेही सुध टंका आज दि जाऊची माने एटा केवल 2 क्वार्टर रो टंका दि जाऊची। सो एटा 2.5 लक्ष ग्रुप 125 कोटी टंका 3-4 वर्ष रे भी एटा संभव हो पारु नथिला आज 6 मास रे एटा संभव हेची सेथि पई एटा बहुत बड़ कथा। द्वितीय कथा एटा काई कि आम पई गुरुत्वपूर्ण आगुरु सुध पैसा पाइबा पई मां माने बैंक रे लाइन लगौथिले 10 थर बैंक को जिबा पई पडुथिला तांकर ऑफिशियल्स को पचारिया पई पडुथिला आमे सुध पाइबू कि फेरस्त हबो कि केते सुध अक्रू कला। आज ओडिशा सरकार 5G माध्यम रे जो टेक्नोलॉजी रो यूज हेची कंप्यूटर माध्यम रे एटा कैलकुलेट करी आपण मानकर अकाउंट को डायरेक्ट ट्रांसफर करा होची एथि पई आपण मानको बैंक को जिबा पई पडिबो नै टंका आपणकर अकाउंट को चल जाउची। तृतीय कथा हैला कि आमे मिशन शक्ति रे राज्य सरकार पदक्षेप पई ऋणर परिभाषा को चेंज करिचु। वी हैव चेंज द डेफिनेशन ऑफ लोन्स केमिति आगुरु माँ माने डर संकोच अनुभव करुथिले बैंक को जीवापई ऋण नवापई बड़ अमाउंट रो ऋण नवापई आज बैंकर माँ मानक पाखकु पहुँचुची। आज आपण माने ऋण सहित सुध पैसा भी फेरस्त पाउचंती एटा हैला गोटे रूपांतरीकरण। आउ लास्ट गुरुत्वपूर्ण पॉइंट हैला आपण मानक मन थी जिते स्वयं सहायक गोष्ठी गठन करा होतेला से गोटे सीड मनी दिया होतेला 15,000 टंकार सेटा समस्त ग्रुप रिक्वेस्ट करुथिले कि आमको सीड मनी दिया जाओ। आज इंटरेस्ट सबवेंशन कार्यक्रम जोगु मान्यवर मुख्यमंत्री लीडरशिप जोगु जदि गोटे ग्रुप 5 लक्ष टंकार ऋण नौची ताहले गोटे वर्ष रे से 2-2 थर सीड मनी रो राशिटा पाउची 6 मास रे 15,000 आउ 6 मास रे 15,000 आउ एटा वन टाइम नुह एटा आपण सबु वर्ष पाई परिबे एटा केवल संभव हे पारिची मान्यवर मुख्यमंत्री फोकस पई विमेन्स एम्पावरमेंट उपरे। सर कहिचंती कि महिला सशक्तिकरण मो पई स्लोगन नुहे एटा होची गोटे नॉन नेगोशिएबल कोड। बैंकर माने अछंती से मान जानिथिबे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स माने जानिथिबे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पर्सनली बैंक्स मानक संगे फॉलोअप करती महिला मिशन शक्ति ऋण पई आउ मिशन शक्ति इंटरेस्ट सबवेंशन प्रदान पई से आम ओडिशा रे एई वर्ष 10,000 कोटी टंकार ऋण दे पारुचु महिला मानक आसंता 5 वर्ष रे 50,000 कोटी टंका एवं इंटरेस्ट सबवेंशन बाबत रे केवल ओडिशा सरकार रखिचंती निज बजेट रे 1200 कोटी टंका आसंता 4-5 वर्ष पई। एबे मान्यवर मुख्यमंत्री डाकरा देइचंती एसएचजी टू एसएमई ता पई जहां पॉलिसी इनिशिएटिव्स दरकार करा जाउची 5 लक्ष जीरो इंटरेस्ट लोन डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल फेडरेशन मानक कोटिए टंका और 50 लक्ष टंकार रिवॉल्विंग फंड आपण माने हेबे मिनी बैंक महिला मानकर मिनी बैंक रे परिणत हेबे आपण माने जिला रे प्रत्येक जिला रे गोटे गोटे इंडस्ट्रियल पार्क गोटे दुईटी जिला रे ऑलरेडी आमर जगह रेडी करी डीपीआर प्रस्तुत हवापी गला एवं प्रत्येक ब्लॉक रे आमे बड़ बड़ आकार रे ट्रेनिंग प्रोग्राम नबू नुआ नुआ ट्रेनिंग प्रोग्राम फैशन डिजाइन फूड प्रोसेसिंग एग्री एंटरप्रेन्योरशिप ब्यूटी आउ वेलनेस सेक्टर रे जोटी की माँ माने तांकर ब्लॉक स्तर रे ही ए ट्रेनिंग पाई परिबे एवं प्रत्येक स्तर रे गाँव रे पंचायत रे ब्लॉक रे आउ जिला रे हबो मिशन शक्ति गृह आउ मिशन शक्ति भवन। आज यही संदर्भ में जाजपुर रो डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन रो बिल्डिंग इनॉग्रेट हवापे जाऊँगी मान्यवर मुख्यमंत्री द्वारा एटा अन्य मानक इटा सीमेंट रॉड रो बिल्डिंग हो पारे किंतु जाजपुर रो महिला मानक सेटा हैला तांको सशक्तिकरण रो प्रतीक तांको स्वप्न रो गोटे प्रतीक
ସେମାନେ ଯାଜପୁର ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଦର୍ଶେଇବ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିବେ, ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଯାଜପୁରର ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ତ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଇଛି SHG ଟୁ SMEରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ବେଶୀ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି SMEରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେଣି। ସେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି SHG ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସେମିତି ଗୋଟେ SHG ଅଛନ୍ତି, କୋରାପୁଟର ନାରୀ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ SHG ଅଛନ୍ତି, ନୂଆପଡ଼ାର ଅଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ SHG। ଆମର ଏବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟିମ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଟିମ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ SME ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆଉ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ SHG ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବେ ଆମର ଡାକରା ହେଉଛି SME ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଭିଜନ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ପାର୍ଟନର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିତ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମହିଳା କାହାର ମାଆ, କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା କାହାର ଝିଅର ପରିଚୟ ରଖୁଥିଲା, ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ଲିଡର, ସେ ଗୋଟେ CEO, ତାର କମ୍ପାନୀର ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି, ତାର ଭଏସ୍ର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ମିଶନ ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଚାପ୍ଟର ହେଇକି ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଫଙ୍କସନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗରୁ। ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।